जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर ऑल यू लवली पीपल। और कैप्शन देख के आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की रीडिंग में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। जी हाँ, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, आप सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं, वट एवर, हम सारे क्वेश्चन इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। सो मेरे पास यहाँ पे दो पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पर उससे पहले मैं आपको बताऊँगी, रीडिंग में थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ऐसे कि अगर आपका जो बर्थ मंथ है, दैट इज़ फ्रॉम मार्च टू अगस्त, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सो आपके लिए पाइल 1 है। और अगर आपका जो बर्थ मंथ है, दैट इज़ फ्रॉम सितंबर टू फरवरी, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, तो आपके लिए पाइल 2 है। पाइल 1 एंड पाइल 2, टेक योर टाइम, ठीक है, और आराम से रिलैक्स होके बैठ जाइए और अपनी पाइल्स पे कंसंट्रेट करिए और प्रे कीजिए, क्योंकि हम डिवाइन गाइडेंस भी देखेंगे इन दी एंड, ठीक है। सो डोंट बी इन अ हस, बस अपनी चाय या कॉफ़ी ले आइए और आराम से बैठ जाइए मेरे साथ रीडिंग को देखने के लिए। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी 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 पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि आज की रीडिंग कैसी होने वाली है। सो पाइल 1, अगर आपका जो बर्थ मंथ, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि किन मंथ्स में आता है, तो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड है, जो एनर्जी है, दैट इज़ फीस्ट। ओके, फीस्ट। अब इसका क्या मतलब है? आई थिंक जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है या जो भी है, आई थिंक यू नीड टू लिटिल बिट सेलिब्रेट योर लाइफ। आपको इस टाइम पे अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, हैप्पी रहने की ज़रूरत है, कंटेंट रहने की ज़रूरत है। इट्स अबाउट यू नो लाइक ऑलरेडी आप बहुत अच्छे जोन में हैं, यू आर डूइंग गुड, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आप एक कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर डू कर रहे हैं चीज़ों को, या मे बी आपको यू नो टेंशन रहती है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कैसे ठीक होगा, कैसे होगा। सो नीड टू रिलैक्स, जस्ट काम डाउन, यू नो यू नीड टू रिलैक्स अ लिटिल बिट। और मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों को, आई एम गेटिंग फ्रूट्स, यू नीड टू हैव गुड फूड एट दिस टाइम, राइट नाउ, ठीक है, कि आपको जो भी व्यूअर्स इस टाइम मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। एंड वन थिंग आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू दैट लाइक मे बी आई एम गेटिंग अ ब्लैक कलर, हो सकता है इट्स योर फेवरेट, राइट? एंड वन थिंग, हो सकता है आप किसी अच्छे पोजिशन पे हैं एंड यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग यू नो लाइक यू आर गुड और पीपल रिस्पेक्ट यू एंड यू हैव अर्न्ड इट, आपने बहुत मेहनत की है, आपने इसको अर्न किया है, यू आर डूइंग यू नो वेरी गुड। बट वट आई एम गेटिंग, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ राइट नाउ एंड इन्जॉय एंड सेलिब्रेट योर लाइफ, जो है अभी है। एट द मोमेंट यू नीड टू यू नो कनेक्ट विद योर गाइड्स, यू नीड टू सेलिब्रेट एंड वट एवर, जो भी है, तो इस चीज़ का खास आपको ख्याल करने की ज़रूरत है। चलिए ओके, इसको हम साइड पे कर देते हैं, पाइल नंबर 1, ठीक है, इनकी हम बात करते हैं। ओके, पाइल नंबर 1, सो फिंगर्स क्रॉस्ड, पाइल नंबर 1। ओके, आई थिंक क्या चल रहा है आपकी लाइफ में अभी? राइट नाउ यू आर वेटिंग, यू नो मे बी यू आर वेटिंग फॉर योर फाइनेंसिस टू गेट बेटर, मे बी यू आर वेटिंग, आप वेट कर रहे हैं कि चीज़ें स्मूथ हो जाएं। होल्डिंग ऑफ इमोशंस, इमोशंस को बड़ा होल्ड किया जा रहा है इस टाइम पे, एंड इट्स अबाउट पेशेंट, लाइक यू नो पेशेंस है आपके अंदर, बहुत पेशेंस है और आप पेशेंस रख भी रहे हैं कि लाइक यू नो अपनी लाइफ में, किसी भी सेक्टर में, लव लाइफ हो सकता है, करियर हो सकता है, ठीक है, और यू आर लाइक बींग अभी फिलहाल कोशिश कर रहे हैं टू बी एज स्ट्रांग एज यू कैन, एंड इट्स अबाउट वेटिंग फॉर
सम अपॉर्चुनिटी। कुछ लोग हो सकता है फाइनेंसेस बेटर होने का वेट कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि किसी के स्पेसिफिक मैसेज का वेट कर रहे हो, कॉल का वेट कर रहे हो, यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन योर लाइफ। तो ये मुझे पाइल वन के लिए, लाइक यू आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कम्प्लीटली यू आर फाइन। और लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को इन अ कंट्रोल्ड मैनर, ठीक, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आप उसमें अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप अपनी एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, उसमें स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं, और यू नो पेशेंस बहुत रख रहे हैं, अपने आप पे काम कर रहे हैं, बिकॉज यू वॉन्ट टू अचीव अ लॉट, यू वॉन्ट टू बिल्ड अ लॉट आप यू नो आगे के लिए। तो वेटिंग इज ऑल्सो गोइंग ऑन, और अपने आप पे काम कर रहे हैं, अपने फियर्स को ओवरकम कर रहे हैं, बहुत कुछ, ये सब कुछ मुझे पाइल नंबर वन के लिए दिखाई दे रहा है। ओके, पाइल नंबर, ओ माय गॉड, व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ। आई थिंक पाइल वन, देयर इज अ सोलमेट कनेक्शन आई थिंक कमिंग फॉर यू, आपके लिए सोलमेट काइंड ऑफ अ कनेक्शन आई एम गेटिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि क्या बोलूँ मैं आपको, विद अ टू ऑफ कप्स पहले ही जोन में, ठीक है, आपको अपनी लव लाइफ में ना एक कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको कंप्लीट करता हो ऑलरेडी, लाइक ठीक है आप ये महसूस करते हैं कि येस यू आर फाइन इन वट एवर यू आर डूइंग, अकेले भी हैं तो भी ठीक है, लाइक मैनेज कर रहे हैं, बट आपके अंदर एक वो चीज़ है कि आपको एक सोलमेट कनेक्शन चाहिए, आप जिसके साथ कनेक्ट कर सकें। और मुझे ज़रूर ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ में ऐसा पर्सन कोई ज़रूर आ सकता है, ज़रूर ज़रूर आ सकता है। विद अ लवर्स कार्ड हो सकता है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, या एक कनेक्शन है, एक बॉन्ड है आप लोगों के, टू ऑफ कप्स एंड लवर्स, क्या बात है। मतलब बस मुझे ये दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, मतलब वो जो पुल्ड बैक वाली जो एनर्जी वो मुझे दिखाई दे रही है फॉर पाइल नंबर वन। मतलब हो सकता है कि कुछ डिसीजंस अपनी लाइफ में यू नो बनाने हैं, या मे बी हो सकता है कि जो पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बिजी हैं, या मे बी इट्स अबाउट यू ऑलरेडी नो, मुझे ऐसा लगता है आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, और थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा और ज़्यादा यू नो एलैबोरेट करके देखते हैं। एंड देन वी हैव मे बी अ फायर साइन, और मे बी समबडी यू नो ड्रॉन टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ पैशनेट, लविंग, काइंड एंड बट पैशनेट, ठीक है, वो चीज़ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है फॉर पाइल नंबर वन। और दिस पर्सन इज काइंड ऑफ ओके, चॉइसेस हैं पाइल नंबर वन के पास, मुझे चॉइसेस दिखाई दे रहे हैं, लव में भी आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं। वी हैव वाटर साइन, वी हैव फायर साइन, वाटर एनर्जी, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, समबडी मैच्योर, मे बी यू आर अनडिसाइडेड, आपको समझ नहीं आ रहा, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, और मे बी आप अनश्योर हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि दिस इज़ अ कंपैटिबल कनेक्शन। आपके अराउंड चॉइसेस हो सकती हैं, बट वन ऑफ देम इज़ लाइक कि एक कंपैटिबल यू नो पार्टनर, जहाँ आपको लगता है कि यस यही है वो। सो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है पाइल नंबर वन के लिए। और हो सकता है कि रिजिस्ट आप कर रहे हो बिकॉज आपको बहुत कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में, या हो सकता है कि यू वॉन्ट टू बी इस कनेक्शन में, शायद मुझे वो हिडन लेयर्स दिखाई दे रही हैं कम्प्लीटली, जैसे एक दूसरे को आप जान के भी नहीं जान पा रहे हैं, या मे बी आप अपने जोन में बहुत ज़्यादा रहते हैं, बिजी रहते हैं और डूइंग स्टफ लाइक दैट, स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, जिन्होंने भी पाइल नंबर वन चूज़ किया, वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन, और आप कनेक्शन भी वैसा ही चाहते हैं, ठीक है ना। तो मुझे थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है, बार बार मैं एक ही बात कहूँगी कि शायद ऐसा लगता है कि यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन, और अगर नहीं है तो पास्ट लाइफ कनेक्शन, लाइक यू नो कि ट्विन कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, ऐसा मुझे पाइल नंबर वन के लिए दिखाई दे रहा है। एंड समबडी मैच्योर, समबडी यू नो लविंग, केयरिंग, और आपको भी ये बात पता है, बट क्योंकि मुझे लगता है कि देर आर यू नो इस कनेक्शन में शायद थोड़ी बहुत स्ट्रगल्स हैं या रेजिस्टेंस है, बट येस इट्स योर सोलमेट,
मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है दैट इट्स काइंड ऑफ योर सोल मेट एंड इट्स हेयर, यहीं पे यू नो, और आपके अराउंड है और आप उनके बारे में सोचते हैं, आप उनसे बात करते हैं लाइक मन ही मन. अगर फिजिकल डिस्टेंस है तो यू कनेक्ट विद दिस पर्सन लाइक थ्रू सोल. तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. इवन आई एम एक्साइटेड, आई वॉन्ट टू नो मोर. वी यूज दिस ब्यूटिफुल कार्ड. ट्रू लव के बारे में हम बात कर रहे हैं यार, तो हमें ये तो ज़रूर देखना पड़ेगा कि क्या है फॉर पाइल नंबर वन. ओके, सो पाइल नंबर वन की लाइफ में आई थिंक इट्स द डिवाइन मैस्कुलिन. ओके, तो मुझे ऐसा लगता है इट्स योर काउंटर पार्ट. जैसा आप बिलीव करते हैं, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप सोचते हैं, आप देख सकते हैं. यू नो सच अ ब्यूटिफुल कार्ड वी हैव, कपल हगिंग ईच अदर. तो काउंटर पार्ट, इट्स ऑल अबाउट दैट. मुझे ऐसा लगता है कि पाइल नंबर वन, अगर आप अभी किसी भी सिचुएशन ऐसी है जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं ये सब कुछ ऐसा नहीं है, या बट आई थिंक यू शुड स्टार्ट बिलीविंग इट. आपको उस चीज़ को बिलीव करना चाहिए कि आपके पार्टनर आपके अराउंड ही हैं, एंड यू शुड बी लिटल हैप्पी इन योर ओन जोन. अपने मतलब जैसा हम सोचते हैं यू नो वैसा ही हम रिसीव करते हैं. तो वो वाली बात मुझे पाइल नंबर वन के लिए दिखाई दे रही है. बट येस, इट्स योर काउंटर पार्ट. वी हैव टू ऑफ कप्स, वी हैव लवर्स, सच अ ब्यूटिफुल कार्ड. हाँ, बट ये एक रेजिस्टेंस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है. या हो सकता है कोई झिझक है, या हो सकता है कि टाइम नहीं दे पा रहे, या देर आर जैसे हिडन लेयर्स होती हैं जो अनफोल्ड होनी बाकी हैं, अपने आप टाइम विद टाइम अनफोल्ड हो जाएंगी. तो वो चीज़ मुझे पाइल वन के लिए दिखाई दे रही है. सच अ ब्यूटिफुल कार्ड. देन वी हैव डिवाइन मैस्कुलिन, राइट? सो यस, इट्स योर काउंटर पार्ट. और मे बी इट्स अबाउट लाइक यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ लिटिल बिट. आप यू नो आपकी जो अंदर की जो एनर्जी है, जो मैस्कुलिन एनर्जी है, आप उसको बैलेंस कीजिए और फील कीजिए कि येस यू नो कि आप करेक्ट पार्टनर ही अट्रैक्ट कर रहे हैं. कभी कभी हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं एंड वी स्टार्ट अट्रैक्टिंग नेगेटिव. सो यू नीड टू बिलीव दैट. देन वी हैव क्रिएटिविटी. अगेन वी हैव अ कपल होल्डिंग हैंड, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और वो क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ. तो हम खुद क्रिएट करते हैं जैसा हम सोचते हैं. तो इट्स अबाउट दैट. वी हैव अ गार्डन, ठीक है? तो आई थिंक हैप्पीनेस इज ऑल अराउंड यू. बस आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको बिलीव करने की ज़रूरत है. जिन्होंने भी पाइल नंबर वन चूज़ किया है, थोड़ा टाइम अपने आप को देने की ज़रूरत है. येस ऑफ कोर्स, अपने आप को थोड़ा सा टाइम भी देने की ज़रूरत है. एंड मोर ओवर इट्स ऑल अराउंड यू. मुझे लव लाइफ में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है. इट्स जस्ट अबाउट, अच्छा कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप खुद ही रिजिस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन्स, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके जो जो काउंटर पार्ट है, इफ़ यू नो समबडी, या मतलब सिंगल भी हैं या किसी के साथ भी डील कर रहे हैं, तो एक अपनी तरफ से यू नो एक रेजिस्टेंस है. बट येस, लव इज़ ऑल अराउंड यू. मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि लव इज़ ऑल अराउंड यू. इट्स अबाउट थिंग्स आर मैनिफेस्टिंग, यू नो. येस, वी हैव दैट साइन ऑफ मैनिफेस्टेशन हियर और यहाँ पे भी. तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ट्रू लव इन योर लाइफ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं. एंड मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ट्रू लव इन दिस सेक्टर. चाहे आप सिंगल ही क्यों नहीं हैं, आप मान लीजिए हो सकता है आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, तो इट्स ऑल अराउंड यू. लेकिन आप शायद हो सकता है सोच नहीं पा रहे हैं, या आप शायद हो सकता है कि अभी बिलीव नहीं कर पा रहे हैं. और रेजिस्टेंस वाली जो मैंने आपको बात बोली कि हाँ येस, कि आपके पार्टनर की तरफ से भी रेजिस्टेंस हो सकती है. हो सकती है इनकी कोई मजबूरियाँ हो, हो सकता है कि ये दे आर लाइक एन हाई प्रीस्टेस, दे आर लाइक काइंड ऑफ यू नो रियल रियलाइजेशंस और अंडरस्टैंडिंग, और वो लाइफ में कुछ यू नो एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ बिल्ड करना चाहते हैं. तो वो भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं. बट फॉर दैट पर्पस आई थिंक आपको सिर्फ अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है इन योर लव लाइफ. लेट मी सी.
क्या गाइडेंस है। यस, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने आप के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगेन हमारे पास वही सेम कार्ड है कि प्रोजेक्ट, कि जैसा यू नो लाइक मुझे लगता है कि आप जान के भी एक दूसरे को नहीं जान पा रहे हैं और मे बी माइंड में बहुत कुछ। तो इस केस में आपको क्या करने की ज़रूरत है, जस्ट अपने आप पे फोकस कीजिए, जस्ट अपने आप में बिलीव कीजिए, अपने आप पे यू नो यू नीड टू वर्क ऑन योर सक्सेस और अपनी ग्रोथ पे काम करने की। जो आप चल रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप अचीव कर रहे हैं, वो करते जाइए, उसको स्टॉप मत कीजिए। मान लीजिए कि आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग, सेल्फ लव बहुत अच्छी बात होती है। सेल्फ लव में और क्या कहते हैं, सेल्फिशनेस में फ़र्क होता है, यू नो। सो अच्छी चीज़ों को अडाप्ट करने की ज़रूरत है, अपनी विक्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, अपने सक्सेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, एंड देन अपने आप से कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाइल वन, यू नो, तो सारे आंसर्स आपको वहीं से मिलने वाले हैं। एंड मे बी कुछ रिलेशनशिप है जो आप शायद जान के भी नहीं जानते हैं, और मे बी ऐसा हो सकता है कि देयर आर चॉइसेस, आपको सोचने की ज़रूरत है, यू नो, आपके अराउंड चॉइसेस हो सकती हैं, बट आपके लिए क्या परफेक्ट है, आप कहाँ कनेक्ट करते हैं, या मे बी आप किसी पर्सन के बारे में जजमेंट बना रहे हैं और शायद हो सकता है कि वो ट्रू ना हो, या हो सकता है आप मान लीजिए यू नो वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है, या आप सोचते हो वट एवर। आपको अपने आप के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, जिन्होंने भी पाइल नंबर, अपनी सक्सेस पे, अपनी विक्ट्री पे बहुत 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 ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, देखिए करियर वाइज आई थिंक कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट टेकिंग ब्रेक, या मान लीजिए आप हो सकता है घर से काम कर रहे हो, और मे बी इट्स अबाउट यू नीड टू टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा आपको अपने आप को खुद को टाइम देने की ज़रूरत है बहुत, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। बट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, इट विल कम टूवर्ड्स यू, मनी इज़ ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स यू। ऐसा नहीं है कि मनी में कोई प्रॉब्लम होने वाली है फ्यूचर में, ठीक है। यस, आई थिंक इट्स अबाउट चॉइसेस, इट्स अबाउट डिसीजंस, और अपना पाथ बनाने की ज़रूरत है, फाइट करने की ज़रूरत है। जो भी है, जो भी वट एवर इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, आपको रेडी रहना है, आपको यू नीड टू स्टे अवे, मतलब आप मैनिफेस्ट कीजिए। बहुत डेविल एनर्जीज आपके अराउंड आएंगी जो आपको स्टॉप करने की कोशिश करेंगी, ठीक है ना, आपको पुल बैक करने की कोशिश करेंगी, आप लो फील कर सकते हैं, और लाइक एनर्जी वाइज भी आप लैकिंग फील कर सकते हैं, बट इट्स ओके, कभी कभी होता है, आपको फिर अपने आप को उठाना है और फिर आगे बढ़ना है, यू नो। सो ये मुझे पाइल नंबर वन के लिए दिखाई दे रहा है, मनी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, बट मुझे ये ज़रूर दिख रहा है दैट यू हैव टू कंटिन्यूसली, आपको फाइट करने की ज़रूरत है, और अगर जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, यू कैन यू नो लीव अवे, और जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, वो आपको सोचने की ज़रूरत है। मान लीजिए आपका कोई विजन है, तो वो विजन लाइक आप सोचते हैं कि आपको यहाँ पहुँचना है, तो वो विजन क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले अपना पाथ जो है ना, जो वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर्पस क्या है, यू नो। तो फॉर फाइल नंबर वन आई थिंक डिस्ट्रैक्शंस बहुत आएंगी, डेविल एनर्जी है जो मुझे दिखाई दे रही है, लोग हो सकते हैं आपके अराउंड टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक थिंग्स, या कोई ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, वी हैव चेंज, ठीक है, तो चेंज आ सकता है आने वाले टाइम में, बट यू नीड टू फोकस, यू नीड टू अंडरस्टैंड, चेंज आ सकता है, कोई लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आ सकता है, चेंज ऑफ प्लेस, और मे बी चेंज ऑफ यू नो कोई भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि यस, मतलब चेंजेस आएंगे आगे आगे, तो आपको उस चीज़ के लिए रेडी रहना है, उस चीज़ के लिए अपने आप को, डोंट बी होपलेस, डोंट बी लो, मैं ये करियर की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो करियर वाइज मुझे यही दिखाई दे रहा है पाइल नंबर वन के लिए, विजन बोर्ड अपना क्रिएट कीजिए। सो ये था पाइल नंबर वन के लिए, लेट मी पुल सम चार्म्स।
ओह माय गॉड, कितने सारे चार्म्स हैं. वी हैव एन एलिफेंट अगेन, बहुत अच्छा उमन है. और वी हैव ट्री ऑफ लाइफ, वी हैव टू एलिफेंट. सो गणेश जी का आशीर्वाद आपके साथ है, राइट? आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए. एंड देन वी हैव स्कॉर्पियो एनर्जी, मे बी कोई स्कॉर्पियो हो सकता है. और लॉट ऑफ ब्यूटिफुल सिग्नल्स अराउंड यू. और मे बी आपको अगेन, देखिए हमारे पास दो टहनियाँ हैं और दो बर्ड्स हैं, ठीक है? सो इसका यही मतलब है दैट मे बी वी हैव फेदर ऑल्सो, ट्री ऑफ लाइफ, स्नो फ्लेक्स. तो आपको इंडिकेशंस मिलते होंगे फ्रॉम सराउंडिंग, आपके आसपास से. आपको अटेंशन पे करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, जिन्होंने भी पाइल नंबर वन चूज़ किया है. सो अपनी जर्नी पे आगे बढ़ते जाइए, और जो आपको साइंस एंड सिग्नल्स मिल रहे हैं, पे अटेंशन, उस पे अटेंशन पे कीजिए कि वो आपको क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या करना है लाइफ में अभी, राइट नाउ. अपनी सक्सेस पे, अपनी विक्ट्री पे ध्यान देना है. और अगर कोई कनेक्शन है तो वो आपके अराउंड ही है कहीं, यू कैन फील इट, यू कैन सेंस इट, शायद हो सकता है. और लेकिन कभी कभी आई थिंक कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं या चीज़ें अनक्लियर हैं अभी. करियर वाइज में आई थिंक यू आर डूइंग गुड, आप बहुत मेहनत करें, करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए. हाँ, और मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि येस, एट टाइम्स बहुत एनर्जीज आएंगी, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, बट नो, लिव इट और आगे बढ़ते जाइए. तो ये थी पाइल वन की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो. मुझे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी. चलिए जी, अब हम पाइल नंबर टू की बात करेंगे, पर उससे पहले हम ये क्लियर कर लें. Too many cards. Okay. जिन्होंने भी पाइल नंबर टू चूज किया है, आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है दैट इज लाइनस. ओके, इसका क्या मतलब है? यू हैव अर्नड ऑल योर स्ट्राइप्स. आई थिंक यू आर काइंड ऑफ अपने जोन में है. आपके अंदर एक मेच्योरिटी लेवल मुझे दिखाई देता है पाइल नंबर टू. और आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ मंथ्स, ठीक है, स्टार्टिंग में. सो इट्स अबाउट जिनका भी बर्थ मंथ है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ठीक है? तो ये एनर्जी है आप लोगों के लिए. सो यू आर डूइंग एक्सट्रीमली, लाइक इट्स अबाउट कि आपने अचीव कर लिया है, और मे बी यू आर वेरी मेच्योर पर्सन. कुछ लोगों की केसेस में हो सकता है यू आर वेयरिंग ग्लासेस, ओके, आपको ग्लासेस भी लगे हुए हैं, बट नेवर माइंड. मुझे बहुत मेच्योर, काम, कंपोज्ड पर्सन आप दिखाई देते हैं. एंड इट्स अबाउट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपकी जर्नी में. यू आर टोटली एक्सेप्टिंग योर सेल्फ. आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं द वे यू आर, जैसे भी आप हैं, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलते हैं. एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग. या एंड मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की ज़्यादा परवाह करते हैं, बिकॉज आप उस लेवल पे आ चुके हैं जहाँ पे आपको लोग कुछ भी कोई भी बोल रहा हो, आपको नहीं फ़र्क पड़ता. यू लाइक यू नो, डोंट केयर अबाउट पीपल, व्हाट पीपल से. और या एक मेच्योरिटी, वो जो सेंस ऑफ मेच्योरिटी है ना, मुझे बहुत ज़्यादा ज़्यादा दिखाई दे रही है. हो सकता है आपके अराउंड कुछ चीज़ें हों, ठीक है, और या कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको लगता हो कि कुछ भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, बट आई डोंट थिंक कि आप उसमें अटेंशन पे कर रहे हैं. एंड मैच्योर एंड वाइज एंड दैट काइंड ऑफ एनर्जी, यू नो, तो वो मुझे दिखाई दे रही है. चलिए, ओके, पाइल नंबर टू की बात करते हैं. एनर्जी इज़ ब्यूटिफुल. पाइल नंबर टू
कि जो करंट एनर्जी है दैट इज आई थिंक इट्स अबाउट सी यू आर फोकसिंग ऑन योर विक्ट्री सक्सेस काम को बहुत ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इस टाइम पे अपनी सक्सेस अपनी सेल्फ ग्रोथ. वी हैव किंग ऑफ कप्स. आई थिंक यू आर वेरी आई थिंक डाउन टू अर्थ काम कंपोज जैसे मैंने बोला ना कुड बी अ वाटर साइन और या हो सकता है कि वो एनर्जी आपकी है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप वाटर साइन हो बट वो एनर्जी है यू नो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. थोड़े से कोई टेंशन्स हो सकती हैं आपके राउंड बट मुझे लगता है कि आपने ठान लिया है दैट यू वांट टू अचीव यू वांट टू बिल्ड और आप उस पर फोकस कर रहे हैं. या हो सकता है कि अपनी लाइफ में कुछ फेज ऐसा है जहाँ पे आप विजय पाना चाहते हैं यू नो आप चाहते हैं आप अचीव करना चाहते हैं उसमें तो आप उसमें लगे हुए हैं. एस ऑफ सोर्ड्स इट्स अबाउट कटिंग टाइज. कुछ चीज़ें आपके अराउंड हो सकती हैं कुछ लोग आपके अराउंड हो सकते हैं कुछ सिचुएशंस आपके अराउंड हो सकती हैं जिनमें से आप बाहर निकलना चाहते हैं और आप चाहते हैं आप कि नो कि आप इसमें से यू नो लाइक आगे बढ़ के रहेंगे फोकस. सो ये चीज़ मुझे पाइल नंबर वन के लिए दिखाई दे रही है. सक्सेस कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिलेटेड टू योर वर्क कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ. सो बहुत चीज़ें हो सकती हैं. ओके व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ. आई थिंक समबडी वॉन्ट्स अ रिकन्सिलिएशन. कोई आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है रिकनेक्ट करना चाहता है. मे बी समबडी वॉन्ट्स टू ट्रैवल टूवर्ड्स यू कनेक्ट विद यू. कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है यू नो ये चीज़ें मुझे पाइल नंबर टू के लिए दिखाई दे रही हैं. और दिस पर्सन हैज़ लव फॉर यू. बहुत इमोशंस हैं आपके लिए या शायद हो सकता है आप अभी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे. कोई आपके राउंड ऑप्शन हो सकते हैं फ्रेंड सर्कल में यू नो फैमिली में कोई भी हो सकता है आपके राउंड जो आपसे कनेक्ट करना चाहता हो. यस कोई डिस्टेंस पे हो सकता है कोई दोबारा मतलब बातों चीज़ों को ठीक करना चाहता है आपके साथ एक रिलेशनशिप में वो बैलेंस लेके आना चाहता है कोई कि यू नो लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है इन सम सिचुएशन. और मुझे लगता है कि जहाँ तक या तो आप इग्नोर कर रहे हैं या आप सेपरेटेड हैं इस पर्सन से और मे बी ऐसी कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है डिवोर्स सेपरेशन और कटिंग टाइज ये चीज़ें हो सकती हैं और आपका शायद हो सकता है फोकस उसमें है ध्यान उसमें है यू नो. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर टू. और देखते हैं सेपरेशन एज वेल रिकन्सिलिएशन. ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है पाइल नंबर टू के लिए. ओके सोलमेट पाइल नंबर टू कोई तो है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है यू नो एंड इट्स अबाउट यू आर वॉकिंग ऑन द पाथ. आप एक पाथ पे चल रहे हैं और शायद हो सकता है आपको लगता है कि आपको यहाँ पे अकेले ही चलना है बट समबडी वॉन्ट्स टू बी विद यू एंड ये पर्सन आपके लिए सोलमेट साबित हो सकते हैं बिकॉज येस डेफिनेटली अ सोलमेट कनेक्शन. और या आपको ऐसा लगता है या आप ऐसा फील कर सकते हैं बट मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि अभी आप बोला ना कि एक जर्नी पे हैं अपने आप पे फोकस कर रहे हैं कुछ बिल्ड कर रहे हैं ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं. और इट्स अबाउट आपके राउंड कनेक्शन है इन योर लव लाइफ स्पेशली हो सकता है कि योर लव इज़ अराउंड यू योर सोलमेट एनर्जी इज अराउंड यू एंड somebody is asking for forgiveness. या कोई हो मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है दैट somebody wants योर टाइम आपकी अटेंशन चाहता है आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है या कोई पूछ रहा है आपसे कोई बात करना चाह रहा है कोई आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है कोई आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है कोई न्यू एनर्जी भी हो सकती है डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है. लेट अस फाइंड आउट मोर.
ओके, आई थिंक आप अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, पाइल नंबर टू. मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं. आप यू नो मे बी न्यू एनर्जी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं. ठीक है, मतलब आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आप अपनी लाइक न्यू एनर्जी के साथ कनेक्ट करें, और आप चाहते हैं कि गार्ड कर रहे हैं अपने आप को, ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं. आपके राउंड शांत बैठे हुए हैं, और मे बी कुछ केसेस में हो सकता है कि इट्स अबाउट कि फाइटिंग, यू नो, फाइटिंग फॉर योर सेल्फ, फाइटिंग फॉर समथिंग. यस, हो सकता है आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं. कोई आपके अराउंड है, आपके आपके मन में बहुत लव है, इमोशंस हैं, किंग ऑफ कप्स, यू नो, बहुत ज़्यादा. लेकिन इमोशंस में बह के डिसीजन नहीं लेना चाहते आप. कोई कनेक्शन आपके अराउंड हो सकता है जो आप फील कर सकते हैं और बिलीव कर सकते हैं, वो चीज़ मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है. लेकिन आप इस पर्सन के साथ ना कभी कभी, जैसे कनेक्ट इतना ज़्यादा नहीं करते, कभी कभी कनेक्शन होता है आपका, कभी कभी बात होती है, इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है. सो यू आर स्टिल कीपिंग पेशेंस. कुछ केसेस में इफ़ यू आर सिंगल, तो मैं यही कहूँगी कि यस, आप अपनी विक्ट्री पे, आप अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी पार्टनर आए वो राइट पार्टनर होना चाहिए, बिल्कुल, यू नो, राइट पार्टनर होना चाहिए विद द टू ऑफ कप्स. ये चीज़ मुझे दिख रही है. और कुछ केसेस में इट्स अबाउट आप कोई रिलेशनशिप एंड कर चुके हैं या करना चाहते हैं, उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे पाइल नंबर टू के लिए दिखाई दे रही हैं. एंड यू आर इनटू योर ओन जोन, और थोड़ा सा लाइक पेशेंस रख रहे हैं, अपनी जोन में पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा मुझे पाइल नंबर टू के लिए ये दिखाई दे रहा है इन लव सेक्टर. सो गाइडेंस क्या है इन लव, क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर टू? ओके, डोंट बी डिफेंसिव. यस, आपके अराउंड लव हो सकता है, आप सोचते भी हैं लव के बारे में, लेकिन यू बिकम सो डिफेंसिव, आप डिफेंसिव हो जाते हैं. आपको लगता है यू नीड टू बी केयरिंग, यू नीड टू बी शेयरिंग, यू नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग. यू नो, हो सकता है आप किसी को पहले से जानते हो सकता है आपके माइंड में वो चीज़ हो, आप मिस तो करते हैं, बट फिर डिफेंसिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा. वाई? थोड़ा सा अपने हार्ट स्पेस को ओपन अप करने की ज़रूरत है. डिफेंसिव नेचर मुझे दिखाई दे रहा है, या हालात ने ऐसा बना दिया है. आप निकलना चाहते हैं, आप उस ओल्ड लेयर में से निकलना चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं पाइल नंबर टू के लिए. ओके, करियर वाइज आई थिंक देयर इज़ एक्सपेंशन, देयर इज़ ग्रोथ. अगर करियर की बात करें पाइल नंबर टू की, ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं मुझे, आप ट्रैवल कर सकते हैं. मनी वाइज आई थिंक गुड चेंजेस आर कमिंग टूवर्ड्स यू, चेंज आएगा डेफिनेटली. आपको जो आपने जो हार्डवर्क पुट किया है उसका, उसके फ्रूट्स ज़रूर मिलेंगे. ठीक है, सो एक्सपेंशन, ट्रैवल, ग्रोथ, ऑप्शंस, ये सारे मुझे पाइल नंबर टू के लिए दिखाई दे रहे हैं. थ्री ऑफ वॉन्ट्स, स्टेप बाय स्टेप यू आर मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है, थोड़ा बहुत ब्रेक हो सकता है, बट आई थिंक आपने यू आर इन लाइक अभी आप गुड स्पेस में हैं, ऐसा नहीं है. हो सकता है कि मनी वाइज कुछ चैलेंजेस आ रहे हो, या आप सोच रहे हो कुछ ऐसा चल रहा हो, लेकिन आई थिंक आगे ग्रो होगा सब कुछ. आप यू नो इन करियर टर्म्स मुझे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है. ब्रेक, आई थिंक छोटा सा ब्रेक हो सकता है, या मे भी हो सकता है, इट्स अबाउट टेकिंग टाइम. लेकिन आपने वो बना, आपने विजन एक क्रिएट कर रखा है दैट यू वांट टू, यहाँ से आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं, आपको पता है यहाँ से यहाँ पहुँचना चाहते हैं, यू नो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर यू. सो इट्स ओके, बैलेंस लेके आना चाहते हैं, कंप्लीट यू वांट टू बी, तो वो चीज़ मुझे दिखती हुई लाइक दिख रही है आपके उसमें, कि येस यू विल अचीव, यू विल बिल्ड, यू विल मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. ये सारा कुछ मुझे पाइल नंबर टू के इन टर्म्स ऑफ योर करियर एज वेल
सो डोंट वरी, लव लाइफ में भी इट्स ओके. आई थिंक हो सकता है कि कुछ चीज़ें हों जो आपके माइंड को स्ट्रक रख रही हों, या कुछ चीज़ें हो सकता है जो आप उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन. हाँ, बट मुझे ये ज़रूर दिखाई देता है कि विद टाइम आप एक बहुत ही कंपोज्ड, काम, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ पर्सन यू हैव बिकम, एंड यू आर एब्सोल्यूटली फाइन विद योर सेल्फ. मतलब जैसे आप हैं, आपको, आप ठीक हैं. कुछ के लिए हो सकता है नंबर 13, या कुछ के लिए हो सकता है 3, हो सकता है आपका, यू नो, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल दैट 13 और 4 और 3 और 1, यू नो, दैट काइंड ऑफ. सो चांस देखते हैं. पाइल नंबर 2 के लिए वी हैव अ बटरफ्लाई. ओके, सो ऑल इन ऑल मुझे एनर्जी अच्छी दिखाई दे रही है फॉर पाइल नंबर 2. वी हैव, देखिए, स्लो है. इसका क्या मतलब होता है, टर्टल का क्या मतलब होता है? इसका यही मतलब होता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यू नो. कि आपने स्टोरी, आप सबने ही सुनी होगी. तो कोई बात नहीं, चीज़ें स्लो हैं, लेकिन यू विल विन. वी हैव अ बटरफ्लाई, वी हैव दैट. अच्छा, लव भी है, वी ऑल्सो हैव लव. तो अपनी जो बोट है उसको, उसको प्यार से, यू नो, आपको प्यार से सींचने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है. प्यार से रो 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 द बोट. तो वो वाली मुझे वो स्टोरी दिखाई दे रही है. तो चलते जाइए, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है नेक्स्ट विंटर टाइम तक चीज़ें स्मूथ हो जाएं, या आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सॉल्व हो जाएं. और कुछ छोटी मोटी चैलेंजेस हैं, बट आई थिंक यू विल बी कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि आप कर लेंगे. मुझे ये ज़रूर दिखाई दे रहा है वो पाइल नंबर 2. यू हैव दैट पेशेंस, यू हैव दैट विल, वेरी कंपोज्ड पर्सन, ठीक है ना, एंड काइंड ऑफ अ दैट. और हो, यू नेवर नो कि आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसा हो कि लाइक फेरी टेल काइंड ऑफ, यू नो, ऐसी चीज़ें हो जाएं. तो वो चीज़, और फिर कुछ टाइम बाद आप सोचें कि आपकी लाइफ में आप कहाँ हैं, तो ये भी चीज़ हो सकती है, काइंड ऑफ अ फेरी टेल. तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं पाइल नंबर 2. तो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विथ अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.